सितंबर तो लैके अज तक सरकार वालों कोई बदलवे प्रबंध नहीं किए गए, ना ही साडिया जायज मंगा साडिया हकी मंगा वास्ते कोई डिवेलपमेंट की आ। एसमा वर्गा कानून ला के साडी लोकतंत्री प्रोटेस्ट जो सानू संविधान अधिकार दिंदा उहनू दबाउण दी कोशिश की गई। अगर 8000 तो बधेरे पिंडां दी श्रोमणी कमेटी दीआं वोटां नहीं वंडियां जां उस प्रोग्राम दे विच 100% काम ना होया तां इहदी जिम्मेवारी निरोल तौर ते पंजाब सरकार दी होएगी। साडियां जो मंगा ने उहदे विच कोई किसे तरीके दी करप्शन दा मामला नहीं हैगा। साडियां जायज और हकी मंगा ने अज की महंगाई के समाने के पटवारी 140 रुपये दफ्तरी भत्ता 100 रुपया 200 रुपया स्टेशनरी भत्ता दे के साडा शोषण किया जा रहा। सरकार ने जो माहौल सिरजिया जो नैरेटिव सिरजिया सानू बदनाम करने की कोशिश की असी कोई वाधू काम इस तरीके नहीं करा। सरकार साडे नाल टेबल टाक करे पूरिया पोस्टा से भर्ती करे असी फिर भी कोई फैसला लोगों के लैन वास्ते तत्पर हाँ क्योंकि असी लोगों वास्ते हाँ। जो भी जो दिक्कत परेशानियां आ रही ने चाहे वह SGPC वोटां दीआं ने जां पब्लिक नूं ने उहदी निरोल जिम्मेवारी पंजाब सरकार की मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब की मानयोग माल मंत्री पंजाब की आ। सत श्री अकाल, D5 चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का मैं धर्मिंदर संधू स्वागत करदा। पटवारी अते सरकार आमो सामने होए, इस दे चलदिआं पटवारियों ने अडिशनल चार्ज छड़ दिता जिहड़ा उन्हां दे इलाके तो बिना उन्हां नूं दिता गया सी। 8000 दे करीब पिंड ने जिन्हां दा अडिशनल चार्ज पटवारियों ने छड्डिया होया है। तो हुण दूजे पासे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीआं वोटां बणाउण दा सिलसिला भी शुरू होण वाला है तो जिहदी ड्यूटी भी पटवारियों की ही लगाई गई है। द पटवार यूनियन दे जिहड़े प्रेजिडेंट ने प्रधान ने पंजाब दे हरबीर सिंह ढींडसा उन्होंने इस संबंधी कई तरह दीआं गल्लां बातां कीतीआं ने ते श्रोमणी अकाली दल दे सीनियर लीडर बिक्रम सिंह मजीठिया ने उस वीडियो नूं अपने सोशल मीडिया अकाउंट दे उत्ते सांझा कीता है ते उन्होंने भी सवाल खड़े किए ने कि जेकर पटवारियों ने 8000 पिंडां दा अपना कामकाज छड्डिया होया है तां उन्हां पिंडां दे विच वोटां किवें बनणगियां ते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दीआं चोणां किवें होणगियां क्योंकि वोटां काफ़ी फिर रह जाणियां ने। मेरे बहुत ही सत्कारयोग पंजाब वासीओ, जिवें तुसीं सारे जाणदे हो कि 1 सितंबर 2023 तो पंजाब दे विच पंजाब सरकार दे और माननीय मुख्यमंत्री साहब ने आदेश दे मुताबक बेरोजगार नौजवानों नूं रुजगार दिवाउण वास्ते पटवारी अते कानूनां वल्लों वाधू सड़कां दा कम्म जिहड़ा बंद किया गया, जिस दे चलदे अज लगभग 50 दिन के नेड़े समा हो चुकिया। पंजाब सरकार वल्लों इस मसले के तहत कोई भी गल्लबात दी रेवेन्यू पटवार यूनियन और रेवेन्यू कन्वेंशन नाल नहीं की गई, जिस तों इह जापदा कि सरकार किन्नी कु संजीदा लोकां दे वास्ते। और मैं पंजाब दे बेरोजगार नौजवानों नूं और पंजाब वासियों नूं इह भी अपील करदा कि दस्या जाए कि ग्राउंड दे विच किन्ने नवे पटवारी भर्ती हो चुके ने, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब जी का बयान सीगा कि मैं कलमा नवे बेरोजगारां नूं पढ़ावांगा जिहड़े कि तुहाडे वध पढ़े लिखे ने। पर अज अफसोस की गल आ कि साडे ट्रेनी पटवारी जिन्हां दे पेपर हो चुके ने उन्हां नूं अज भी 5000 रुपया स्टाइफ नहीं दिता जा रहा और नवे पटवारी साथियों की ट्रेनिंग अजे शुरू नहीं हो सकी और उन्हां नूं जिहड़ा 18000 का ऐलान सी उह भी अज ऐलान ही बन के रह गया। और अज सब तों वड्डी गल पंजाब दे विच लगभग 8000 तो बधेरे पिंडां दी सौणी 2023 की गदावरी नहीं हो रही क्योंकि उन्हां पिंडां दे विच कोई पटवारी नहीं हैगा। और मानयोग इलैक्शन कमिशन दीआं हदायतां दे मुताबक श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने चोणां वास्ते नोटिफिकेशन जारी हो चुके आ। 21 अक्तूबर तो वोटां बनाईआं जाणियां ने जिहदे विच जिम्मेवारी पटवारी की फिक्स कीती गई आ। पर मैं इत्थों मानयोग इलैक्शन कमिशन जी नूं गुरद्वारा कमेटी के प्रधान साहब जथेदार अकाल तख्त साहब नूं बेनती करदा कि 1 सितंबर तो लैके अज तक सरकार वालों कोई बदलवे प्रबंध नहीं किए गए, ना ही साडियां जायज मंगा साडियां हकी मंगा वास्ते कोई डिवेलपमेंट की आ। एसमा वर्गा कानून ला के साडी लोकतंत्री प्रोटेस्ट जो सानू संविधान अधिकार दिंदा उहनू दबाउण की कोशिश की गई आ। इह जिहड़ी हैगी आ मनुखी अधिकारां दी उलंघना। इस करके मैं बेनती करदा कि अगर 8000 तो बधेरे पिंडां दी श्रोमणी कमेटी दीआं वोटां नहीं वंडियां जां उस प्रोग्राम दे विच 100% काम ना होया तां इहदी जिम्मेवारी निरोल तौर ते पंजाब सरकार दी होएगी। कोई पटवारी कानून इहदा जिम्मेवार नहीं होएगा क्योंकि साडी कोई भी मीटिंग पंजाब सरकार वल्लों अज तक नहीं कीती गई। और मेरी इत्थों इक होर बेनती आ, कई जिला कलैक्टर साहिबान
गलत तरीके ऑर्डर करके, क्योंकि पटवारी जमाबंदी का कस्टोडियन है, बेशक रिकॉर्ड ऑनलाइन है बेशक ऑफलाइन है, अगर लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के उल्ट जाके किसी भी जिला कलैक्टर ने कोई साड़ी जमाबंदी के रावटा पाने की कोशिश की, कोई इंतकाल अपडेट करने की कोशिश की, तो असी मजबूर लैंड रेवन्यू एक्ट के अनुसार लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के अनुसार मानयोग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के कानूनी चाराजोई करने वास्ते मजबूर होवांगे। मेरी समूह कलैक्टर साहबान नूं निम्रता सहित अपील आ कि असी किसी टेबल टाक तो भजन वाले नहीं है, तुसीं साडे मीडिएटर बन के साडी गल करवाओ और साडियां जो मंगा ने उहदे विच कोई किसी तरीके की करप्शन का मामला नहीं है, साडियां जायज और हक्की मंगा ने। अज की महंगाई के समाने के पटवारी 140 रुपये दफ्तरी भत्ता, 100 रुपया 200 रुपया स्टेशनरी भत्ता दे के साडा शोषण किया जा रहा और 5000 रुपया नवे पटवारियों को दिता जा रहा, यह कोई भी गल जी मनुखी अधिकारा नहीं उलंघना, क्योंकि प्राइवेट बिल्डिंगों का प्रबंध सरकार अपने लैवल से करे। असी सरकारी रिकॉर्ड जरा बहुत ही अहम आ, असी सरकारी दफ्तर की भी मांग कर चुके हैं, पर बड़े अफसोस की गल आ कि ये उपर भी कोई डिवेलपमेंट नहीं हुई। तो मेरी इतों पंजाब की जनता को एक बार फिर पंजाब सरकार को निम्रता सहित अपील आ कि हर मसले का हल जरा टेबल टाक होंगी, असी किसी गल के भजन वाले नहीं है, पंजाब साडा इस तरीके की गलत जी बयानबाजी तो ग्रेज किया जाए और लोगों के मसले को समझते हुए जथेबंदी लोक हितों को मुख रखते हुए जथेबंदी मीटिंग की जाए, मीटिंग करके मसलों का हल कढ़िया जाए। असी हर टेबल टाक न हर प्लेटफार्म के उपर तैयार हाँ। इन्नी क बेनती करता हो जे पंजाब के किसानों, पंजाब के नौजवानों, पंजाब के मजदूरों कोई साड़ी इस स्टैंड करके कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, मैं उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मंगना और पंजाब के सारिया पार्टिया के लीडर साहबान सारे साडे विधायक साहबान MP साहबान बेनती करना कि 1 सितंबर तो लैके अज तक दस्या जाए कि तुहाडे वल्लों इस मसले का हल करने वास्ते की चाराजोई की गई है, कि तुसी पंजाब के लोगों के लोक नुमाइंदे कहाउण दे हकदार हो जां तुहाडे कन्नां तक वो लोगों की आवाज नहीं पहुंच रही, जिन्हां दे विदेश जाण दे, जिन्हां दे बैंकां दे काम रुके पए ने, जिन्हां दे माल महकमे दे समुचे काम रुके हुए ने, क्योंकि साडा अज भी स्टैंड आ एक सर्कल एक तनखा, असी कोई वाधू काम सरकार ने जो माहौल सिरजिया जो नैरेटिव सिरजिया सानू बदनाम करने की कोशिश की, असी कोई वाधू काम इस तरीके नाल नहीं करांगे। सरकार साडे नाल टेबल टाक करे, पूरियां पोस्टा ते भर्ती करे, असी फिर भी कोई फैसला लोगों के लैण वास्ते तत्पर हाँ, क्योंकि असी लोगों वास्ते हाँ। जो भी जो दिक्कतां परेशानी आ रही ने, चाहे वह SGPC वोटा दियां ने जां पब्लिक नूं ने, उहदी निरोल जिम्मेवारी पंजाब सरकार की, मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब की, मानयोग माल मंत्री पंजाब की आ। इन्नियां कु बेनती करता होया सारे साथियों का धन्यवाद जो तुसीं सहयोग दे रहे हो, 23 जिले 97 तहसीलां पूरियां अपने स्टैंड के उपर कायम ने और वधिया तरीके नाल जिहड़ा इक सर्कल का काम साडे पटवारी कानून सेवान कर रहे ने। हुण देखना होवेगा कि पटवारी किस तरह के नाल अपना काम करते हैं, किस तरह जिम्मेवारी निभाते हैं, तो आने वाले समय के इस पूरे मामले का श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी चोणां दे उत्ते की असर पैंदा है। निडर हां, निरपक्ष रहांगे, आजाद हां, सच कहांगे, गल करांगे सियासी हवा दी, होणगे हुकमराना नूं सिद्धे सवाल, सब तो पहला पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर, दसांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सफर, विदेशां च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल, कैनेडा दी हर सियासी खबर लेके आवांगे तुहाडे वल, उभरांगे पंजाब दी आवाज बन, होणगे हर पहलू ते रोज चर्चे, खोलांगे अंदरूनी राज, बनांगे बुलंदवाज, खेड सिक्ख्या सेहत खेती दी बात पावांगे, हर पिंड हर शहर जावांगे, मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात, संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल, की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार, की करदी है साडी सरकार, की है तुहाडी मुश्किल दा हल, D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल, धर्म धरोहर सेहत और संस्कृति की होगी बात, अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर, D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती अपने लोक। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਰਾਜ ਚੰਦਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ।